हे गाइस, गुड आफ्टरनून। शाम का टाइम हो रहा है, करीब करीब 4:45 बज रहे हैं। आज है डेट मंडे 26 अप्रैल। टाइटल आपने पढ़ा ही होगा, टाइटल में लिखा हुआ है दैट अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम डे ट्रेडर AH। नाउ व्हाट इज़ द स्मॉल गिफ्ट? सो गाइस, बेसिकली ये गिफ्ट और कुछ नहीं है, इट इज़ द इंडिकेटर विच आई ट्रेड। गैन इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। सो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को, जो पहले प्राइवेट स्क्रिप्ट थी, ये अब मैंने पब्लिक स्क्रिप्ट की है। ऑब्वियसली जो फुल फ्लेज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नहीं, जो सिर्फ लेवल्स है, जो जो स्टार्टिंग में शीट लेने वाले लोगों को मिला था इंडिकेटर, तो वही सेम इंडिकेटर बट सिर्फ ब्लैंक इंडिकेटर, नो मॉडिफिकेशंस एट ऑल, वो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से वो लिंक पे क्लिक करना। अब ये इंडिकेटर देने के पीछे का रीज़न क्या था? सो आई शुड थैंक मिस्टर आनंद वर्मा। ही इज़ नॉट इवन अ सब्सक्राइबर बट ही फॉलोज़ ऑन टेलीग्राम, एंड स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे एक मेल किया 2 दिन पहले, और उस मेल में उन्होंने ये चीज़ लिखी थी दैट ही इज़ नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल। वो बस मेरे वीडियोस देखा करते थे और एक भी वीडियोस उन्होंने मिस नहीं किए हुए आज तक। एंड सेकेंडली ही सेड दिस थिंग कि उनको बहुत टाइम बाद, उन्होंने 3-4 बार गैन के वीडियोस देखे, जिस वीडियोस में मैंने गैन के बारे में बोलना स्टार्ट किया था वो वीडियोस उन्होंने 3-4 बार देखे, तब जाके उनको ये रियलाइज़ हुआ दैट यस, ये कुछ एक अच्छी स्टडी है। और उन्होंने अपने मेल में ये चीज़ मेंशन की थी कि ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, उनको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, उन्होंने कभी मेरे यूट्यूब के वीडियोस पे कमेंट भी नहीं किया, और बस वो टाइम पे उन्होंने पता नहीं क्यों एक मेल सेंड किया था, और वो मेल पढ़ने के बाद मैंने उनको वो इंडिकेटर एक्सेस ग्रांट कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। सी गाइज, मेरा स्टार्टिंग से इंटेंशन यही रहा है कि मैं लोगों को कुछ नया सिखाऊँ, कुछ ऐसा सिखाऊँ जिनसे पैसा बन सा है, पैसा बन सकता है। तो मेरा इंटेंशन स्टार्टिंग से, डे वन से यही था कि लोग पैसा कमाएं, लोग पैसा बनाएं। और जितनी मैंने मेहनत की थी उसके लिए मैंने बस एक छोटा सा चार्ज रखा था, जो मेरे हिसाब से जितना कुछ मैंने स्टार्टिंग से सिखाया था वो चार्ज नेग्लिजिबल था। एनीवेज, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे लोग अनाप शनाप बकने लगे, एंड एवरीथिंग इज़ द पास्ट नाउ। लेकिन आनंद सर के वजह से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार, मेरे वीडियोस डालना बंद करना, या फिर मेरी वो शीट लोगों के पास तक नहीं पहुंचना, या शीट जाने दो, इंडिकेटर बनाया है जो काफ़ी टाइम कंज्यूम करता, टाइम सेव करता है, तो ये सारी चीज़ें लोगों तक जानी चाहिए, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और यही इंटेंशन के साथ मैंने फिर से नए वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। इंटेंशन यही था कि मैं ऐसे कह सकते हैं कि यार, काबिल लोगों को ढूंढूं, या फिर ऐसे लोगों को ढूंढूं जो गैन स्टडीज़ में बिलीव करते हो और वो ये इंडिकेटर को यूज़ करें और पैसा बनाएं। और टू बी ऑनेस्ट, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इन लोगों को ऐसे कुछ पैसा लूँ, और ना ही आज भी ये इंटेंशन रखता हूँ। इसीलिए मैंने ये इंडिकेटर जो है, ये अलग से मैंने इंडिकेटर क्रिएट किया है। एवरीथिंग गोज सेम, लेवल सेम है, सब कुछ है, बस जो मेरी टाइम लाइन है वो नहीं है इसमें, या फिर आप कह सकते हो कि जो गैन शीट बाय करने वाले लोगों को इंडिकेटर मिला था उनको कुछ क्लाउड्स मिले थे, बायर जोन सेलर जोन, वो वाला पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें प्योरली एंड प्योरली लेवल्स है। तो आप आज के दिन का यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मार्केट ओपन हुआ, हमने स्टार्टिंग की 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस डाल दी, उसके बाद मार्केट इस जोन के अंदर ही ट्रेड करते रहा है। यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी FR, उसके ऊपर जाके ये कैंडल में क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद रिट्रेस करके इसी लेवल पे आया, और इसी लेवल पे री एंट्री, मतलब एंट्री करने के लिए आ गया। एंट्री करने के बाद इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टारगेट, नेक वन लेवल टू अनदर लेवल, एक टारगेट यहाँ पर दे दिया। अब ये जो टारगेट का प्राइस है, ये आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा
दैट इट इज़ नियरली अराउंड 180 पॉइंट्स। सो आप बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप 180 पॉइंट्स यहाँ पे आराम से कमा सकते हो। एंड ऑल आई मीन इज़ कि यार पैसा बनता है, इसके रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी रहेंगी। जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एक करके मैं वीडियोस बनाऊंगा और बताऊंगा, क्योंकि सी यूट्यूब पे वापस आने का मेरा मेन मोटिव यही रहा है कि यार गैप लिया था मैंने कुछ बकवास से लोगों की वजह से, फिर से आया, फिर से वो बकवास लोग वापस आ गए, कमेंट करने लग गए कि फिर से कुछ बेचेगा। सॉरी, बेचने के इंटेंशन से नहीं आया था, यही करने के इंटेंशन से आया था कि यार आप लोगों को कुछ अच्छा दे सकूं। सो जो अच्छा देना है, मैं लोगों को ढूंढते बैठने के चक्कर में अभी नहीं पड़ने वाला। आई वांटेड कि मैं वीडियोस पोस्ट करते जाऊं और लोगों को ये चीज़ दिखाऊं कि यार गैन लेवल से पैसा बनता है। लेकिन फिर दिल में ये ख्याल आया कि मैं जो भी ट्रेड लगाऊंगा इट विल बी टोटली बेस्ड ऑन गैन लेवल्स, क्योंकि मैंने अपने आप को गैन लेवल्स के ऊपर ही शिफ्ट कर दिया है। प्राइस एक्शन नो डाउट है, एंट्री कब बनानी है कब नहीं बनानी है, गैन लेवल्स को कैसे यूज़ करना है, उसमें प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मैं टारगेट एंड एसएल सेट करने का काम गैन लेवल्स के भरोसे पे ही कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से कर रहा हूँ। तो जब मैं ये चीज़ सेम करना चाह रहा हूँ और इस पर वीडियोज़ बनाऊँगा तो मैं विदाउट शोइंग द गैन लेवल्स में नहीं कर सकता, और अगर मैं गैन लेवल्स दिखा के करूँगा तो इसमें ऐसा हो जाएगा बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप तो गैन लेवल्स दिखा के कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका इंडिकेटर बेचने वाले हो आगे जाके। सो गाइज, वो सारे कन्फ्यूजन्स को हटाने के लिए मैं आज ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ इंडिकेटर की, या फिर आप नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, पब्लिक स्क्रिप्ट है, आप उधर बस टाइप कर देना गैन बाय डे ट्रेडर AH, आपको इंडिकेटर आएगा। कैसे दिखेगा आपको इंडिकेटर, आपको बस यहाँ पे, ये तो मतलब मेरे स्क्रिप्ट में आएगा, मेरे स्क्रिप्ट में आप देख सकते हो बहुत सारे इंडिकेटर्स मैंने बनाए हुए हैं। बट एनीवेज, आपको जो नोटिस करना है वो है गैन बाय डे ट्रेडर AH। सो आपको अगर यहाँ पे भी जाओगे पब्लिक लाइब्रेरी में जाके, आपको बस यहाँ पे टाइप करना है गैन बाय डे ट्रेडर AH, और अब ये मेरी स्क्रिप्ट है, इसके लिए मुझे यहाँ पे माई स्क्रिप्ट के कॉलम में दिखा रहा है, लेकिन आप डालोगे तो आपको पब्लिक स्क्रिप्ट में ये आ जाएगा। जैसे ही आएगा आपको इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख के आएगा रिटर्न एज गैन बाय हुजैफा, मेरे नाम से ये स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे रखी है। इनपुट्स में आपको लार्ज स्टॉक और स्मॉल स्टॉक ऐसे दो ऑप्शंस मिलेंगे। आप 1500 से ऊपर के स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो आप लार्ज स्टॉक का सेक्शन सिलेक्ट करोगे, 1500 के नीचे के स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो आप स्मॉल स्टॉक्स का सेक्शन सिलेक्ट करोगे। लार्ज स्टॉक्स का सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट 5 मिनट की क्लोजिंग प्राइस डालनी है। अच्छा, अगर आप कमोडिटीज़ में इसको यूज़ करना चाह रहे हो तो आपको 15 मिनट्स की क्लोजिंग प्राइस डालनी है, लेकिन यूज़ करना है लार्ज स्टॉक्स वाला सेक्शन ही। कमोडिटी में आप चाहे निकल पे करो, जिंक पे करो, किसी पे भी करो, वो कोई भी प्राइस का रहने दो, 200 रुपये का रहने दो, 100 रुपये का रहने दो, लेकिन आपको 15 मिनट्स की कैंडल और लास्ट स्टॉक वाला सेक्शन ही यूज़ करना है। लेकिन आप स्मॉल स्टॉक्स में जाओगे तो स्मॉल स्टॉक्स में दिन की ओपनिंग की प्राइस डालनी है, लास्ट स्टॉक्स में आपको क्लोजिंग की प्राइस डालनी है। और ये करने के बाद आपको यहाँ पे लेवल्स दिख के आएंगे, देर विल बी मल्टीपल लेवल्स बीन क्रिएटेड। आप इसको टेस्ट कर लो, ऑब्जर्व कर लो, बैक टेस्ट कर लो, रेगुलर मार्केट में इसको अप्लाई करके देख लो कि किस तरीके से लेवल टू लेवल मार्केट काम करता है। एंट्री कब बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, उसके लिए आप आपके खुद के स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। आप थोड़ा इसको स्टडी करोगे देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, और टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट होप कि आप पैसा बनाओ इसमें से। नो डाउट कभी कभार एंट्री दे देने के बाद आपका SL भी जाएगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन गाइस, कोई भी बिजनेस या कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है, ये प्लीज़ दिमाग में रखना। इसकी भी एक एक्यूरेसी रेट है, और जैसे जैसे आपको इसके स्ट्रैटेजीज पता चलेंगे आपको इसका एक्यूरेसी रेट भी पता चलेगा, एंड यू विल एन्जॉय इट, ओके, एंड यू विल रियली मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो जिन लोगों के पास सिर्फ शीट है
और जो लेवल्स ड्रॉ करके काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज हो गया, क्योंकि उनके पास अभी इंडिकेटर आ गया डायरेक्टली, और जिनके पास शीट भी नहीं है वो लोगों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ गई हाथ में. एंड दैट्स द रीज़न वाई टाइटल मैंने रखा है अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम डे ट्रेडर AH. आज मैंने कुछ ट्रेड्स किए, लेकिन हुआ ऐसे कि मैंने ट्रेड्स लिए तो सही और लेके एग्जिट करने के बाद मेरे को याद आया कि यार मैंने आज वीडियो डाला ही नहीं, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया. सो एक बार हो चुका है, उसके बाद मैं फिर से जाऊं और करूं वो सब में मेरे को इंटरेस्ट था नहीं बिल्कुल भी. इसके लिए आज क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में मैं कुछ बात नहीं करने वाला. प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जो भी हुआ कुछ नहीं बात करने वाला हूँ. ये बस आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आप कंसिडर करो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक ईद का गिफ्ट है इन एडवांस. ओके. और ये देने के पीछे का रीज़न यही है कि इसके बाद जब भी मैं कोई बैंक निफ्टी का ट्रेड करूँ या कुछ भी करूँ, मैं गैन इंडिकेटर यहाँ पर डिस्प्ले करूँ, तो कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे पास इंडिकेटर नहीं है सो हाउ कैन आई ट्रेड लाइक दिस. सो इंडिकेटर अभी सबके पास है. आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल पर्सनली, इंडिकेटर को सब्सक्राइब करोगे तो ट्रेडिंग व्यू पे एक लाइक का बटन आता है. ओके. आप इस वीडियो को लाइक करो नहीं करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस इंडिकेटर से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज आपको सिखाऊं, स्ट्रैटेजीज आपको बताऊं, तो गाइज़ मैं इतना ही चाहूँगा कि ट्रेडिंग व्यू पे जो मेरा इंडिकेटर यूज़ होगा उस इंडिकेटर के आगे जो थम्सअप वाला बटन है, लाइक वाला बटन है, वहाँ पे मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम, आई नीड मिनिमम ऑफ 1,000 लाइक्स. आई नीड मिनिमम ऑफ 1,000 लाइक्स ओवर देयर. अगर 1,000 लाइक्स आते हैं तो मैं, वो चाहे एक दिन में आए, 10 दिन में आए, 10 साल में आए, आई डोंट केयर, लेकिन अगर ये 1,000 लाइक्स आते हैं उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए रिलेटेड टू गैन इंडिकेटर में स्ट्रैटेजीज बनाना स्टार्ट करूँगा. आई जस्ट होप गाइज कि आपको ये गिफ्ट पसंद आया हो और आप इसको यूज़ करके अच्छे से पैसा बना सको. दैट्स ऑल गाइज, एंड आई रियली अप्रिशिएट मिस्टर आनंद वर्मा फॉर सेंडिंग मी अ मेल विच रियली ओपन्ड माई आईज दैट ओके फाइन, आई शुड नॉट गो ऑन सर्चिंग फॉर पीपल हु विल टेक केयर ऑफ दिस इंडिकेटर एंड हु विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड हु विल ट्राई टू यूज़ इट एज अ टूल टू मेक मनी. वो मैं सर्च रोक पाया या फिर मैं सर्च पे अभी नहीं जा रहा हूँ, उसके पीछे का एक ही रीज़न है एंड दैट वॉज अ सिंगल मेल फ्रॉम अ जेन्यून पर्सन, दैट इज़ मिस्टर आनंद वर्मा. ओके. सो एंड गाइज, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पता होगा ये इंडिकेटर की कोडिंग जो की है गाइज़ ये मिस्टर विजय ने की है. उनको आप एज अ डेटा ट्रेडर करके, उनका ट्रेडिंग व्यू पे आईडी था. सो आई नो हिम फ्रॉम बिगनिंग एज डेटा ट्रेडर. और गैन लेवल्स के लिए जिन्होंने मदद की है वो है मिस्टर सावन. सो आई रियली थैंक ईच एंड एवरी पर्सन जिन्होंने आज जाके जो कुछ भी मेरी ट्रेडिंग चल रही है उसके लिए मुझे, बोलते हैं ना, जो भी मैं हूँ ये इन लोगों के वजह से हूँ ऐसा मैं कह सकता हूँ. और आज आपको ये इंडिकेटर मिल रहा है वो इस वजह से ही मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल मेल फ्रॉम अ पर्सन नेम्ड एज आनंद वर्मा. आई रियली डोंट नो हु इज़, बट आई रियली अप्रिशिएट हिज मेल एंड आई रियली मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार कोई तो है जो समझ पा रहा है. और जैसे मैं लोगों को ढूंढना चाह रहा हूँ ना कि यार मैं ऐसे लोग मिल जाए तो मैं इंडिकेटर फ्री में दे दूँ, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे एक बंदे का मेल आया. फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि यार बहुत सारे लोग शायद मेल कर भी नहीं पा रहे हों और इसके लिए ये इंडिकेटर मैंने आप लोगों के लिए पब्लिक किया है. जस्ट मेक यूज़ ऑफ इट, अर्न मनी, दैट्स इट गाइस. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.